नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स इन द मुस्लिम कम्युनिटी। इन द अर्ली 19th सेंचुरी सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स वर इंटाइटेड इन मुस्लिम कम्युनिटी अंडर द लीडरशिप ऑफ पीपल लाइक हाजी सरितुल्ला फ्रॉम बंगाल एंड सर सैयद अहमद खान फ्रॉम रायबरेली इन उत्तर प्रदेश। दे वर मोटिवेटेड बाय द सैयद अहमद खान मोटिवेटेड बाय द टीचिंग ऑफ द रिलीजियस लीडर शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। दे बिलीव दैट द ब्रिटिशर्स कुड एस्टैब्लिश देयर रूल इन अवर कंट्री एज द इस्लाम इन इंडिया वॉज बिकमिंग वीकर एंड करप्टेड। दे स्टार्टेड वहाबी movement in order to strengthen the Islamic religion and culture and also to make it purer. इसमें क्या बेटा जो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था समाज में सामाजिक और धार्मिक तौर पे मुस्लिम समुदाय में भी बदलाव आ रहे थे। एक इसके लीडरशिप में आ रहे थे हाजी सरितुल्ला फ्रॉम जो बंगाल से थे और सर सैयद अहमद खान जो कि रायबरेली जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन दोनों की लीडरशिप में मुस्लिम संप्रदाय में भी क्या हो रहे थे सामाजिक और रिलीजियस बदलाव आ रहे थे सुधार हो रहे थे या बदलाव कह लो जो भी ठीक है। इसके साथ ही जो वो जो थे वो मोटिवेट थे जो ये जो दोनों लीडर थे वो किसके थ्रू मोटिवेट थे वो अपने जो उनके रिलीजियस लीडर थे उनके धार्मिक जो गुरु थे वो शाह वलीउल्लाह जो कि दिल्ली के थे उनसे वो लोग प्रभावित थे उनसे मोटिवेट थे ठीक है। जिसके अंडर में ये सारे सुधार मुस्लिम संप्रदाय में भी हो रहे थे। उनका मानना था कि जो ब्रिटिशर्स जो है इसलिए स्टेब्लिश हो रहे हैं हमारी कंट्री में क्योंकि जो इस्लाम है वो बहुत ही वीक और करप्टेड हो रहा है। इसके साथ ही मुझे वाह भाई मूवमेंट की अभी शुरुआत कर दी थी क्योंकि जो हमारे जो इस्लामी इनका जो इस्लामिक रिलीजन था जो इस्लाम धर्म था उसकी जो संस्कृति थी उसको पूरी तरह से मजबूत बनाया जाए स्ट्रांग बनाया जाए साथ ही साथ उसको एक पवित्रता मिल सके ठीक है। मैनी मुस्लिम स्टार्टेड एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द वाह भाई many muslims started acquiring the english education due to the impact of the wahhabi movement and the growing the influence of the western culture however due to the orthodox nature of the ulema a large number of muslims remained the deprived of the english education social awareness and reforms that is why the education of muslim and the subsequent rise of the middle classes was not satisfactory जो बहुत सारे जो मुस्लिम जो लोग थे उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन को सीखना उसको पढ़ना समझना शुरू कर दिया था जो कि वहाबी मूवमेंट से रिलेटेड थे। साथ ही साथ उन्होंने वेस्टर्न कल्चर को भी बहुत प्रभावित हो चुके थे। साथ ही उन्होंने उनका मानना इसके साथ जो उनके पर इसके विपरीत जो कुछ जो रूढ़िवादी जो मुस्लिम लोग थे जो उलेमा थे वो बहुत बड़ी संख्या में जो थे वो उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन और जो सामाजिक जो जागरूकता थी और जो रिफॉर्म्स थे उसके प्रति उन्होंने सजगता नहीं दी। उनका मानना था कि ये सब चीजें व्यर्थ है जिसके कारण क्या हुआ था जो मुस्लिम लोग थे वो इंग्लिश एजुकेशन से वो अच्छी तरह से नहीं सीख पाए और उनमें जागरूकता की कमी रही और मिडिल क्लासेस के जो लोग थे वो उनका सामाजिक और रिलीजियस और उनका मतलब एजुकेशन में भी वो सेटिस्फाई नहीं हो पाए थे। सर सैयद अहमद खान वॉज बॉर्न इन एरिस्टोक्रेटिक फैमिली ड्यूरिंग द रिवॉल्ट ऑफ 1857 ही वॉज अ सर्विंग द ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ एम्प्लॉय एंड हैड रिमाइंडेड लॉयल टू द कंपनी। आफ्टर हिज रिटायरमेंट इन 1869 ही वेंट टू इंग्लैंड एंड वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाई द लिबरल आइडियाज ऑफ द वेस्ट। ही एडवोकेटेड द आइडिया ऑफ एक्वायरिंग ऑफ इंग्लिश एजुकेशन एज I mean to reform the Muslim community of its orthodox attitudes and backwards. He started a magazine namely Tahzib ul Akhlaq in 1817 CE. He established the Aligarh Muslim College in 1875 CE which is known as the Aligarh Muslim University today. He translated the books of English literature and science in Urdu language and tried to make the Muslim familiar with the branches of the knowledge from the West. He opposed the veil system, yani ki burqa pratha, and child marriage and advocate education for girls and widow remarriage. इसमें जो सर सैयद अहमद खान जो थे वो एक एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में उनका जन्म हुआ था
एरिस्टोक्रेटिक फैमिली जो होती है वो हाई रैंक फैमिली होती है। जब 1857 का जो रिवॉल्ट हो रहा था उसमें इन्होंने उस समय ये ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या था एज एम्प्लॉयर थे, जिन्होंने पूरी निष्ठा के साथ उसमें उन्होंने उसको किया निष्ठा से उन्होंने अपने उसको उस पद को निभाया था। आफ्टर हिज रिटायरमेंट उनकी रिटायरमेंट के बाद 1859 में क्या हुआ था 1869 में क्या हुआ था वो इंग्लैंड चले गए थे वे अपने लिबरल आइडियाज वेस्ट कल्चर के लिबरल आइडियाज के लिए। फॉर द एडवोकेट द आइडियल ऑफ ऑर्डर ऑफ एक्वायरिंग द इंग्लिश एजुकेशन, इसके साथ ही उन्होंने वहां की जो आइडियाज थे एक्वायरिंग इंग्लिश एजुकेशन को उसको भी उन्होंने उसकी भी उन्होंने वकालत की। उसमें भी इसका मतलब था एज अ मीन टू रिफॉर्म द मुस्लिम कम्युनिटी विद ऑर्थोडॉक्स एटीट्यूड ऑफ बैकवर्ड कास्ट, उनका मानना था कि अगर जो अगर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग अगर इंग्लिश को सीखेंगे तो उनका एटीट्यूड में जो पिछड़ापन है वो समाप्त हो जाएगा, वो और भी जागरूक बनेंगे और उनको इस वेस्टर्न सभ्यता का भी ज्ञान होगा। ही स्टार्टेड अ मैगजीन, उन्होंने एक मैगजीन स्टार्ट किया जिसका नाम तजीबुल अकलक था जो कि 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। और उन्होंने एस्टेब्लिश की अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज 1875 ईस्वी में अलीगढ़ में जिसको आज हम लोग अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। एंड उन्होंने क्या किया था जो इंग्लिश की जो लिटरेचर्स बुक थी इंग्लिश और साइंस की तो उसको उन्होंने उर्दू लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट किया था, जिससे कि जो मुस्लिम जो लोग थे मुस्लिम सम्प्रदाय के जो लोग थे वो वेस्टर्न कल्चर से फैमिलियर हो सके, उसको जान सके उसकी नॉलेज के बारे में। एंड और उसके अलावा उन्होंने जो बुरका प्रथा थी जो चाइल्ड मैरिज और एजुकेशन ऑफ फॉर गर्ल्स विडो मैरिज मैरिज के अलावा उन्होंने बुरका प्रथा को समाप्त करने के लिए बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए और गर्ल्स के लिए एजुकेशन के लिए और विधवा पुनर्विवाह के लिए भी वकालत की। ठीक है बेटा, नेक्स्ट कम्युनिटी। इसके अलावा जो नेक्स्ट कम्युनिटी थी वो थी सिख कम्युनिटी। द रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सिख कम्युनिटी। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी वॉज फॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव टू रिकॉग्नाइज द रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड रिमूव द इविल प्रैक्टिसेस फ्रॉम द गुरुद्वारास टू इम्पार्ट इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन टू द सिख्स। खालसा कॉलेजेस इन अमृतसर वॉज एस्टेब्लिश अलॉन्ग विद मैनी अदर स्कूल्स। इसके अलावा 19th सेंचुरी में सिख धर्म की कम्युनिटी में भी जो शिरोमणि गुरुद्वारा के प्रबंधक कम्युनिटी के जो कमिटी जो थी उसकी मतलब उसकी निगरानी में सिख कम्युनिटी में भी कुछ बदलाव हो रहे थे। इट वॉज रिफॉर्म्ड और ऑब्जेक्टिव रिकॉग्नाइज, इसका जो मेन फॉर्म था क्या था ऑब्जेक्टिव रिकॉग्नाइज था, जिससे कि जो कि रिलीजियस प्रैक्टिस था एंड जो रिलीजियस जो धार्मिक जो क्रियाकलाप था उसके ऊपर महत्वपूर्ण उसको महत्वपूर्ण बताया जा रहा था, उस पर बल दिया जा रहा था और जो इविल प्रैक्टिसेस थे उसको रिमूव किया जा रहा था किसके अंदर जो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अंदर में। और इसके टू इम्पार्ट द इंग्लिश एजुकेशन इसके लिए जो इसके अलावा जो उस समय जो बदलाव हुए थे उसमें इंग्लिश एजुकेशन की भी वैल्यू को सिखाने के लिए सिख लोगों को इंग्लिश एजुकेशन अलॉन्ग विद द रिलीजियस एजुकेशन टू द सिख्स और उनको इंग्लिश एजुकेशन और धार्मिक एजुकेशन यानी कि धार्मिक के बारे में जो शिक्षा देनी जानी थी सिख लोगों को उसके लिए खालसा कॉलेज की भी स्थापना की गई थी अमृतसर में, इसमें और बहुत सारे स्कूल भी वहां पे बनाए गए थे। नेक्स्ट है आपका पारसी कम्युनिटी। द पारसी यंगर हु हैड अक्वायर्ड इंग्लिश एजुकेशन एस्टेब्लिश्ड रहमा ए मद्यासीन सभा इन 1851 फॉर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट एंड दादा भाई नवरोजी वॉज द लीडर ऑफ दिस सभा। दिस सभा हैड स्टार्टेड अ पीरियोडिकल नेमली रस्ता गुफ्तार, इट गेव एन इम्प्यूट्स टू द रिफॉर्म मूवमेंट एंड कैरिड आउट वर्क फॉर अवेकिंग ऑफ द पारसीज के आर कामा एंड ब्रह्मी एंड ब्रह्मजी मालवारी ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड इन द सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स कामा लेड इम्फेसिस ऑन द। अब इसमें क्या है बेटा, जो पारसी कम्युनिटी थी इसमें जो यंगर थे इसके जो अक्वायर्ड कर थे इंग्लिश एजुकेशन को सीख रहे थे, तो इसके अलावा उन्होंने एक इंग्लिश एजुकेशन के लिए उन्होंने स्टेब्लिश किया रहनुमा ए मजाब सभा की स्थापना की रहनुमा ए मद्यासनी सभा की स्थापना की 1851 में
इसमें धार्मिक और सामाजिक जो रिफॉर्म्स थे, मूवमेंट थे, उसको इसमें समाप्त किया जाए, उसके प्रति इसमें जागरूकता लाई जाए। और दादा भाई नवरोजी जो थे इसके लीडर थे इस सभा के। ठीक है, ये जो सभा थी वो स्टार्ट की दी गई थी, नेम्स का मेनली पीरियोडिक नेम भी था इसका, स्टार्टेड पीरियोडिकल नेमली रास्ता गोस्तार। इट गिव द इम्प्यूट्स टू द रिफॉर्म्स मूवमेंट एंड कैरिड आउट वर्क अवेकिंग द पॉलिसीज। इसके अलावा जिन्होंने ये इम्प्यूट्स किया था, ये कैरिड किया था इस मूवमेंट को चलाने के लिए, लोगों को जागरूक किया पारसी धर्म के को के लोगों को। इसमें के जो मेन जो थे वो के आर कामा और ब्रह्मजी मालवारी जो थे, इन्होंने भी इसमें अपना मेन कॉन्ट्रीब्यूशन दिया धार्मिक और सामाजिक रिफॉर्म्स के लिए, सुधार के लिए। जो कामा लीड इम्फेसिस ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ एजुकेशन एंड मालवारी इम्फेसाइज ऑन वोमेन एम्पावरमेंट, दे अपोज चाइल्ड मैरिज एंड इनकरेज विडो रीमैरिज। अब इसमें क्या था बेटा, जो इसमें जो मेन जो थे जो कामा लेट के जो इम्फेसिस थे, उन्होंने एजुकेशन पे बल दिया, और जबकि जो मालवारी इन्होंने एजुकेशन के महत्व को फैलाया, उसके बारे में जागरूकता लोगों में जगाई। और जो मालवारी इम्फेसाइज थे, उन्होंने क्या कहते हैं वुमेन्स की पावर को इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने जोर दिया, और उन्होंने चाइल्ड की जो मैरिज की जो प्रथा थी उसको भी एंड जो विडो रीमैरिज के लिए भी उन्होंने इंकरेज किया लोगों को। नेक्स्ट है आपका ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले वाज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र। ही स्टार्टेड अ सोशल स्कूल ऑफ फॉर गर्ल्स इन पुणे इन 1857। सी ही हेल्प द विडोज टू रीमैरी, द चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द ब्राह्मिन्स इन द सोसाइटी। ही एस्टैब्लिश द सत्य शोधक समाज इन ऑर्डर टू इंक्लूडेड कॉन्फिडेंस करेज एंड इंथ्यूजिज्म इन द पीपल। ये ज्योतिबा फुले जो थे वो बहुत ही अच्छे वेल नोन समाज सुधारक थे महाराष्ट्र के। उन्होंने गर्ल्स के लिए पुणे में स्कूल भी खुलवाया 1857 ईस्वी में। साथ ही उन्होंने जो विधवा थी उनकी पुनः विवाह के लिए फिर उन्होंने सहायता की। उसके अलावा उन्होंने चैलेंज किया अथॉरिटी को, ब्राह्मण समाज की सोसाइटी को, और उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इसमें लोगों में कॉन्फिडेंस हो, उसमें साहस हो और जोश हो लोगों के अंदर किसी समाज की बुराइयों को हटाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपके ठक्कर बप्पा। ठक्कर बप्पा कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज हेड ऑफ द अखिल हिंद हरिजन संघ एस्टेब्लिश बाई गांधी जी, वॉज वेरी वैल्यूएबल इन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द अनटचेबल्स। ही वर्क टायरलेस टू प्रूव रिलीफ टू पीपुल अफेक्टेड बाई नेचुरल क्लाइमेटीज। अमृतलाल ठक्कर पीपुल अफेक्टेड बाई द नेचुरल। अमृतलाल ठक्कर पॉपुलरिटी नोन एज अ ठक्कर बप्पा वॉज बोर्न इन 1869, पॉपुलरिटी नोन एज अ ठक्कर बप्पा 1869 इन सिटी ऑफ भावनगर। ही रिमेंडेड ड्यूटीफुल एंड डिवोटेड सर्वेंट ऑफ द पीपुल थ्रू आउट हिज लाइफ। He was an engineer who left his lucrative job to serve the downtrodden and marginalized people after being inspired by Gandhiji. Thakkar Bappa established a Panchmahal Bhil Seva Mandal and tried to reform the lives of the Bhils who inhabited the deep forest and the hilly areas of the Panchmahal region. Thakkar Bappa and his followers freed the Bhils from the addiction of alcohol, other evil customs and the superstitions. He opened schools for the Bhil children. He taught them how to operate spinning wheel to produce khadi and involved them in small cottage industry. As time passed, awakening and nationalism spread among people with connected them better with the freedom movement. Gandhiji emphasized upon the removal of the untouchability, improve the condition of the people from the backward classes. जो ठक्कर बप्पा का बहुत ही मेन कंट्रीब्यूशन था वो हेड थे अखिल हिंद हरिजन संघ के। उन्होंने गांधी जी से वो की जो सिद्धांत उससे बहुत ही वो प्रभावित थे, इसके लिए उन्होंने
वो स्टेब्लिश किए थे गांधी जी से, वो बहुत ही उनके सिद्धांतों से बहुत ही प्रभावित थे। उन्होंने वो जो ठक्कर बापा थे बिना थके ही वो प्रोवाइड करते थे सर्विस किसको, जो लोग नेचुरल क्लाइमेट जो प्राकृतिक आपदा से प्रभावित होते थे उनके लिए वो बिना थके हुए निरंतर उनकी सेवा में लगे रहते थे। अमृतलाल ठक्कर पॉपुलरली नोन एज अ ठक्कर बापा, जो अमृतलाल ठक्कर थे वो उनकी जो पॉपुलरिटी थी वो ठक्कर बापा के नाम से फेमस हुई थी। और ठक्कर बापा का जन्म कब हुआ था, 1869 ईस्वी में कौन सी सिटी में, भावनगर में। और उन्होंने बहुत ही रिमेंडेड तरीके से ड्यूटीफुल तरीके मतलब बहुत ही निष्ठापूर्वक अपने वर्क को किया, सेवा की लोगों की। एंड थ्रू आउट हिज लाइफ पूरी जिंदगी उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ लोगों की सेवा की। वो वो एक इंजीनियर थे पर उन्होंने इस जॉब को छोड़ करके वो लोगों की सेवा में लग गए और लोगों की सेवा को ही उन्होंने अपना परम कर्तव्य माना। और इंस्पायर किसके द्वारा था, गांधी जी के द्वारा। उनका वो गांधी जी के सिद्धांतों पर ही चलते थे। ठक्कर बापा ने पंचमहल की भी स्थापना की, किसके लिए, भील सेवा मंडल। अब क्या था, बापा एस्टेब्लिश द पंचमहल भील सेवा मंडल, उन्होंने भील सेवा मंडल की भी स्थापना की। एज ए ट्राइड द रिफॉर्म्स द लीव्स इन द भील हु। अब ये जो पंचमहल भील सेवा महल मंडल की जो स्थापना की गई थी वो इसलिए की गई थी, जो भील लोग थे जो घने जंगलों में रहते थे, हिली एरियाज में रहते थे, ये पंचमहल रीजन में आके रहे, उनको सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड की जा सके। ठक्कर बापा जो थे वो फॉलोअर्स थे फ्री द भील्स, वो उसको फॉलोअर उनको फ्री करना चाहते थे भील्स को नशे की जो उनकी आदत थी उससे, और भी जो उनकी प्रथाएं थी, जो उनकी कस्टम्स थे एंड उसकी जो सुपरस्टिट्यूशंस थी उन सब से उनको वो फ्री करना चाहते थे। और उन्होंने ही ओपन द स्कूल्स, इसके लिए उन्होंने क्या भील लोगों के लिए स्कूल भी खोले जिससे जो भील चिल्ड्रन उनको एजुकेशन प्राप्त हो सके। एंड उन्होंने ये भी ऑपरेट किया कि स्पिनिंग व्हील्स थी था प्रोड्यूस खादी। इसके अलावा उन्होंने लोगों को ये भी सिखाया कि चरखा को कैसे चलाया जा सकता है और कैसे खादी बनाई जाती है। और उन्होंने स्मॉल कॉटेज इंडस्ट्रीज में भी उनको काम दिलवाया। ऐसे धीरे समय बीत गया, लोग जागरूक हो गए, उनमें राष्ट्रवादी की भावना फैलने लगी, अब वो एक दूसरे कनेक्ट में आने लगे और वो अपने फ्रीडम के लिए बटर मूवमेंट करना शुरू कर दिया। उन्होंने जागरूक हो गए अपने प्रति। गांधी जी इम्फेसिस अपॉन द रिमूवेबल ऑफ द अनटचेबिलिटी, गांधी जी ने रिमूव कर दिया लोगों में जो छुआछूत की जो भावना थी उसे, लोग ऊपर उठ चुके थे और जो बैकवर्ड क्लास थी उसमें भी उनकी कंडीशन में भी सुधार आया। ठीक है बेटा, ये चैप्टर खत्म होता है।